मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, और पहले मेरे पहले जो प्रवक्ताओं ने बोला है उनके बारे में एक एक शब्द दो शब्द में बोलता हूँ जी। मेरे पहले जिस बहन ने बोला उसको एक बार अगर वो मुझे बता दे कि ममता बनर्जी कब चुन के आई वेस्ट बंगाल में, कौन से महीने कौन से साल में हुई, तो मेरे शायद मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। इफ द लेडी ऑन द शो कैन प्लीज एजुकेट मी ऑन द ईयर व्हिच शी गॉट इलेक्टेड। क्या इस चुनी क्वेश्चन से क्या मतलब, चुनी हुई मुख्यमंत्री नहीं है क्या वो? हाँ, मतलब क्या इलेक्टेड है नहीं क्या? चुनाव लड़के आई कौन से साल में आई, कौन से साल में आई? 2011 में आई है। नहीं ना, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, कौन से साल में? मुझे बता दिया ना, 2011। नहीं नहीं, 2011 शी केम, देन अगेन शी वाज रीइलेक्टेड इन 2016। क्या प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 2016 में मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं और आपके द्वारा यहाँ पे जो दर्शक उनको समझाओ। 2016 में सत्ता जो है नरेंद्र मोदी जी की थी, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर समझो इस तरह का कुछ काम करना होता तो उनकी सत्ता कैसे आती वेस्ट बंगाल में? और फिर 2016 से आज हम जब बात करें 2019 में, तो 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल का इंतजार करना पड़ता हमको। आपका जो वक्त है कि उनको हम चुने हुए लोगों को हराना चाहते हैं, ठीक है, अब भटकिए मत। कई बार आप जैसे जब पढ़े लिखे लोग है ना, हम जैसे छोटे बच्चों को जब हम जैसे छोटे लोगों को जब डराते हैं ना, तो हमको कई बार लगता है कि आप थोड़ा पढ़ के क्यों नहीं आते? ठीक, आगे बोलिए। थोड़ा सा पढ़ के अगर आए तो हम जैसे छोटे बच्चों को आप डराएंगे नहीं। आगे बोलिए। आगे दूसरी बात बताता हूँ भरत जी, मुझे उनके पहले जो प्रवक्ता थे उनका नाम मुझे पता नहीं, रंजन भट्टाचार्य, मतलब रंजन जी के पहले वाले, मेरे पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल, नहीं रंजन जी के पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल। हाँ पुरुषोत्तम जी जो है, पुरुषोत्तम जी तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े। हाँ अग्रवाल जी जो है उनका अनुभव मेरी उम्र के जितना है, मेरा उम्र और उनके अनुभव सेम है। अब उम्र के मत जाइए, फटाफट बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। 356 का इस्तेमाल, हाँ आर्टिकल 356 का जो इस्तेमाल है ना, कितने दर्जन बार किया, जरा लोगों को बताए। इमरजेंसी जो था वो तो डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए शायद किया। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल जब आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो उनसे पूछिएगा विवेक जी, बड़े लोग, ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, बताते हैं लोगों को, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा। जवाब आपने नहीं दिया, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता जब आपके सामने हो तो बताता हूँ।